ये काबिले तारीफ करनी पड़ेगी। धन्यवाद अमर, फुटबॉल से रिलेटेड तमाम बातों को साझा करने के इस अंतिम लम्हों पर एक बार फिर से आपने वो अवसर हमें प्रदान करी। क्या लगता है, क्या 20,000 क्या 50,000? सबसे पहले तो दर्शकों को बताना ये जरूरी है, 20,000 और 50,000 की लड़ाई इस वक्त लड़ी जा रही है। कालों का काल और देवों का देव ये महाकाल एफसी, इन्होंने आज महाकाल के वरदान स्वरूप जो काल का स्वयं वो स्वरूप आज इन्होंने दिखाया है, ये काबिले तारीफ वाली बात है। लेकिन सामने है टिकटॉक, यानी आइकॉनिक फुटबॉल क्लब की टीम, और कहीं जाइएगा मत क्योंकि अभी भी फुटबॉल से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आप तक हम साझा करेंगे। फिलहाल समय को मद्देनजर देखते हुए कहीं ना कहीं मैच में थोड़ी सी समय सारणी को घटाई गई है, क्योंकि सेम टाइम अगर हम लोग चलेंगे तो अंधेरा हो जा सकता है और अंधेरा होने पर पेनल्टी के लिए दिक्कत हो सकती है। जी बिल्कुल वर्मा जी, ये मैच जो चलती हुई पचास हजार और 20,000 यानी कि 30,000 का फासला यहाँ पर रह गया है। जबरदस्त खेल का प्रदर्शन मानना पड़ेगा भाई। अभी अभी निकले महाकाल एफसी के खिलाड़ियों को भी, और वहीं आइकॉनिक तो है ही है अपने जगह पर। और यहां पर कुछ भी हो सकता था, थोड़ी सी जिस प्रकार से बोलते नहीं कैच कैच इस वक्त बना हुआ है आइकॉनिक एफसी के लिए। बिल्कुल नजदीकी मामला यहां पर, बहुत ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है वहां पे खिलाड़ी जरूर कोसांग कहे आपको। तो देखा ये है क्या महाकाल, क्या आइकॉनिक, ये अंतिम मुकाबला है बस इस मैच के बाद आज के लिए अलविदा, और कल सुबह 8 बजे हमारे साथ जरूर आप जुड़ जाइए। कल भी एक से बढ़कर एक टीमों ने इस टूर्नामेंट का दामन को थामा है, और कल पूरा मनोरंजन, पूरा ये जो फुटबॉल का एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है, कल इस केंद्र बिंदु में आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक टीमों की भिड़त, क्योंकि कल इस टूर्नामेंट का अंतिम समापन सफल समारोह आयोजित करी जाएगी। देर से ही सही चलिए, हमारे दिसंबर के महीना में भी इसी प्रकार की एक शानदार आयोजन, खास तौर पर इस साल स्वर्गीय जगमोहन मेमोरियल ट्रॉफी खोटपानी प्रखंड आपको नौता कर रही है गाड़ा बीज कमेटी। दोस्तों 50,000 की सौगात के साथ इस बार आपको आना है, पहला प्राइज, सेकंड प्राइज 30,000, थर्ड 20, फोर्थ 10, फाइव 10 एंड 6 भी 10, बड़ी बड़ी 6 पुरस्कार हैं। 48 टीम भाग लेंगी इस गाड़ा बीज फुटबॉल प्रतियोगिता में, एंट्री भी देना होगा 3,000, नहीं देना होगा 3,500। गड़ा बीज के लिए टीमें काफी तेजी से रजिस्ट्रेशन करा रही है, किसी को अदरवाइज गड़ा बीज में अपनी टीम रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप इस कमेटी में आकर संपर्क कर सकते हो। मैदान की तरफ रुख करना जरूरी है, शाम ढलने वाली है, और इस ढलती शाम के साथ साथ एक यादगार
पल को संजोकर सवार कर भिगो कर अपने और आकर्षित कर घर की ओर आकर्षित करना चाहेंगी। दो दलों के मध्य ये मुकाबला और निश्चित है एक की जीत और एक की हार ये तय है, बट हारेंगे कौन और जीतेंगे कौन ये सवाल बार बार हमारे दिमाग में कांटे की तरह चुभ रही है और इसका आंसर मिलेगा इस मैच से। बने रहिए और फुटबॉल से रिलेटेड सारी जानकारी हमसे प्राप्त करते रहिए। ऐसे बिल्कुल ये कहना तो मुश्किल होगा क्योंकि दोनों ही दिग्गज टीम में जो है इस वक्त भिड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर जताई जाएगी आइकॉनिक की तरफ से। और वहीं उसके मुकाबले पर खेलती नजर आ रही है वैसे महाकाल एफसी, ये भी कहीं ना कहीं कम नहीं है। हालांकि अभी अभी इस ग्राउंड से निकले थे, चंद मिनटों का जो है विश्राम के, बट खिलाड़ी है, नया युवक है, नया जोश है, नई उमंग है, उनके लिए ये कोई भी ज्यादा समय नहीं है, इसमें वो थके हारे अभी तक नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए ये समय ज्यादा नहीं है। तो फिर भी जो है अब देखना पड़ेगा, इस मुकाम तक पहुंचे हैं तो जरूर दोनों ही टीमें, ओहो ये बहुत बड़ी बैक शॉट होगा, वो जाते जाते कल किस टीमों का भिड़ंत किसके साथ होना है आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। मैच यकीनन देखते रहे, मैच का लुत्फ और आनंद उठाते रहे और साथ ही साथ 29/10/2023 सुपर संडे त्रिनेत्र पाइका स्पोर्टिंग क्लब कृष्णापुर पहला मुकाबला दोस्तों सुबह 8 बजे YSC उधोड़िया के मुकाबले खेलेंगे संजू ब्रदर्स। वही दूसरी मुकाबला कल खेली जाएगी सम्राट स्मार्ट एफसी वर्सेस सोए दिशो मोहन को। तीसरी मुकाबला फिर आया माटी कोरी वर्सेस एनएस ब्रदर्स। चौथा मुकाबला महाकाल एफसी बी वर्सेस संजय ब्रदर्स। और कल के अंतिम ग्रुप चिंटू ब्रदर्स वर्सेस अभी स्पोर्टिंग क्लब सीनी। दूसरा मुकाबला विजय फुटबॉल क्लब एंड GS ब्रदर्स लेदरा डी गोपी सो एंड कंपनी कराने वाला है। उसके बाद ब्लैक टाइगर छोटा बाम्बो वर्सेस अली बाबा एफसी चैबासा। उसके बाद बम बम भोले निश्चिंतपुर का मतलब आप समझ रहे हैं, वही डीसी चांदी मोटा और सुदर्शन माथुर जी आप चलेंगे मंच पर। सूरज छोटेलाल महतो के लिए पीछे किया गेंद, छोटेलाल ने शिवम को टारगेट फॉलो किया, लंबी दूरी तय की यहाँ पे शाहरुख के छोटे भाई शिवम। और फिर से एक बार शिशिर के लिए गेंद को डालना चाहते थे लेकिन मांगाल बॉल जीतने में सफल, काउंटर अटैक के लिए जाना चाहेंगे राइट विंगर की तरफ भागते हुए जब से नंबर 9 अच्छी जगह बनाए और जब तक आप जगह नहीं बनाते हो फिलहाल काफी सुंदर या जोरदार प्रयास किया था लेकिन मोटो कॉर्नर किक का इशारा है, मोटो ने पंचवी करी थी, देखना पड़ेगा। और यहां इनसाइड ऑफ द बॉक्स खेलना चाहते थे लेकिन गेंद चली गई डायरेक्टली का दर्शन पूर्वी छोर पर देख सकते हो। चांदनी भली रोशनी में क्या है इस मुकाबले को खेला जाएगा, हालांकि इस मुकाबले को समाप्त उससे पहले कर दिया जाए क्योंकि बराबरी पर समाप्त होती है
तो पेनल्टी का सहारा मात्र ही है हार या जीत, लेकिन पेनल्टी तक जाने की चाहत नहीं, ये मंसूबे अलग है। पूर्णिया पांच दिवसीय टूर्नामेंट 1,10,000 जनहित संघर्ष समिति गोपालपुर, 1,00,000 संजय रिवर स्पोर्टिंग क्लब गढ़बीज, 50,000 नेताजी सुभाष चंद्र, 2,00,000 आकर्षण डोंगरी में। जनवरी का महीना अभी सेशन मिडिल पर है और ये जो फुटबॉल का दौर चलता है, जो सेशन चलता है, ये जनवरी से फरवरी तक आप फुटबॉल सुदूर वर्गीय क्षेत्र में सेलिब्रेट कर सकते हो। कल हमारी उपस्थिति यहाँ हो नहीं पाएगी, इसके लिए मैं क्षमा के प्रार्थी हूँ। कल मुझे जाना होगा बिरसा मुंडा स्टेडियम सरायकेला की ओर, बड़ी टूर्नामेंट हमारे डीसीएसपी और डिस्ट्रिक्ट डीएम साहब और चंपा कप का उद्घाटन होना है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और कल हमारी कमेंट्री सीट पर यहाँ अमर जीत महतो और बिमल ग्वाला जी आपको मैच से रिलेटेड जो बातें हैं आपके साथ वो साझा करते नजर आएंगे। क्या करें, मजबूरियों की उन बेड़ियों में हम जकड़े हुए हैं। कल मुझे जाना पड़ेगा बिरसा मुंडा स्टेडियम सरायकेला, ऑफिशियल मैचेस होंगे। त्रिनेत्र पाइका स्पोर्टिंग क्लब में आज प्रबल दावेदारी, वो फाइनलिस्ट टीम कौन होंगे, और ये पक्का है फाइनल में प्रवेश करने का मतलब ही है आप तो अपने टीम के लिए ₹0.5 लाख 50,000 की बिगेस्ट इनामी राशि के प्रबल दावेदारी तक आप पहुंच जाओगे, इसमें कोई डाउटफुल है ही नहीं। लालू 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 ने डाला यहाँ पर आलू, लेकिन क्या करें, आलू को सिजाओगे तो बन जाता है चौका। क्या बात है लालू, आज थोड़ा सा निराश किया आपने, लेकिन आज अगर लालू स्पेशल टीम की बात करें तो महफिल को रोता है जर्सी नंबर 12 ने, नाम है सोमचंद हंसदा। ये इंप्रेस किए, ये प्रभावित करने वाली मैच खेले आज। टीम में लालू है, टीम में मधु है, लेकिन महफिल को रोता आज है सोमचंद हंसदा ने। इन दो खिलाड़ियों की जबरदस्त कॉम्बिनेशन की वजह से आज टीम सेमी जैसे बड़ी मुकाबले पर अपनी प्रबल दावेदारी को ठोक रही है, और ठोक ही नहीं यहां फाइनल में जाने की जुदाजहद भी है। फिलहाल सोमचंद कमाल खिलाया था, क्या कट यहां पर, दोनों पैरों में से गेंद को निकाला लालू के लिए, परोसा है गेंद को और लालू इस समय अच्छी स्किल बया करते हुए रोकना चाहेंगे महेश, लेकिन इससे पहले एक गेंद को रिलीज किए दूसरी तरफ, फिर से बार और गेंद छिटकी और सूरज स्वयं आसानी के साथ गेंद प्राप्त करते हुए शिशिर फूर्ति के लिए खेला है, काउंटर के लिए जा सकते हैं, लेकिन आगे स्पेस नहीं बनी। नतीजा आएगा और फिर से महेश बांकुरा गेंद के साथ थोड़ा होल्डिंग करते हुए सारों के लिए खेचा पीछे खेला, पास पीछे की तरफ रन लगाकर गेंद को रोकना पड़ रहा है सारो हेमरम। फिर से एक बार मिस फील्डर महेश के लिए बॉल जीते छोटेलाल महतो, जैसे नंबर 13 देर गेंद को लेकर आगे जाना चाहते हैं, लेकिन डिफेंडर मौजूद वहां, देखना पड़ेगा। अच्छे रिजम में नजर आते हुए दोनों ही टीम्स के खिलाड़ी। फुटबॉल की दुनिया में तीन चीजें काफी मायने रखती है। फुटबॉल में अगर आप सबसे पहले फिजिकल फिटनेस, अगर आपकी फिटनेस फिट है तो फुटबॉल में आप हिट हो। दूसरी बात, आपके पास परफेक्ट कटिंग के साथ साथ परफेक्ट शूटिंग और रिदम पास, परफेक्ट पास की भी जरूरत। और लीजिए विक्रम जी की घड़ी इससे आगे